75वां हमारा स्वतंत्रता दिवस। मैम क्या समझते हैं, लाल चौक पे भी झंडा फहराया गया है, तो किस तरीके की फिजा बदली है? नया जम्मू कश्मीर का आगाज हुआ है। नया जम्मू कश्मीर जिसने 70 साल एक सुनसान तरीके से एक कुछ पार्टियों के लिए, वो कुछ डायनेस्टिक पार्टीज के लिए एक नर्चर ग्राउंड बना रहा, मिलिटेंसी को अपनाया गया और कहीं ना कहीं जो है 70 साल तक पाकिस्तान भी उस भूमि के ऊपर तांडव करता रहा। आज बहुत खुशी है कि 70 साल के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के इनिशिएटिव से, उनके विजन से और हमारे जितने भी प्रजा परिषद के हमारे क्रांतिकारी रहे हैं, हमारे लोग रहे हैं जिन्होंने अपना आहुति दी है इसके अंदर, इस संगठन के अंदर, और कहीं ना कहीं उस दिए को जला के रखा, उस अखंड दिए को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत को कहीं ना कहीं जो है आज नमन हुआ है, क्योंकि उनकी शहादत ही हुई थी एक विधान एक निशान से। आज लाल चौक के ऊपर एक पेट्रोटिक जो है एक भावना उभरी है, जहाँ पे फंडामेंटल सोच को नर्चर किया जाता था अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से, आज उस नर्चरिंग को ख़त्म हुआ है और कहीं ना कहीं एक देश भावना जो है वो पेट्रोटिज्म में आज नज़र आ रही है। आप अगर यूनिवर्सिटीज़ देखेंगे, आप कॉलेजेस देखेंगे, आप स्कूल्स देखेंगे, हर बच्चा जो है राष्ट्रगान गा रहा है, हर बच्चा जो है उसके अंदर सम्मिलित हो रहा है और इस भावना के अंदर, इस स्वतंत्रता दिवस के अंदर अपने आप को महसूस कर रहा है कि वो एक फियर साइको जो था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ है। हमें नमन करना चाहिए ऐसी लीडरशिप को, हमें नमन करना चाहिए ऐसे लोगों को और ख़ासकर हमारे सैनिकों को जिन्होंने अपनी शहादत देके इस जो है इस स्वतंत्रता दिवस को, जो आज स्वतंत्र हम महसूस कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं महसूस करवाया है।